यूक्रेन के हिस्टोरिक विजिट को कंप्लीट करके जैसे ही पीएम मोदी जी भारत लौट रहे थे तो ठीक कुछ समय पहले ही भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब जी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने दोनों ही कट्टर दुश्मन रशिया और यूक्रेन में हड़कंप मचा दिया। क्योंकि जिस बयान का दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी आखिरकार वो बयान जयशंकर साहब जी के मुंह से निकल ही गया। अब आप लोगों को जयशंकर साहब जी का वो पूरा वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारियां दे दे जो भारत की यूक्रेन विजिट की काफी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। क्योंकि पीएम मोदी जी यूक्रेन की एक डे की हिस्टोरिक विजिट के बाद जैसे ही भारत लौट रहे थे तो ये घटना उसी समय घटी थी जब पीएम मोदी जी के साथ भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब जी ने भी ये कहा था कि इंडिया वाज नेवर न्यूट्रल इन रशिया यूक्रेन वॉर। आपको बता दें कि यही स्टेटमेंट पीएम मोदी जी की तरफ से भी आया था जिसमें भारत ने अपने स्टांस को यूक्रेन के सामने रखते हुए साफ कर दिया कि वो कभी भी इस युद्ध को लेकर ना तो न्यूट्रल थे और ना ही इस युद्ध को सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि भारत ने हमेशा ये साफ कहा था कि इस युद्ध को अगर खत्म करना है तो दोनों ही देशों को बातचीत के मंच पर आना ही होगा और इस युद्ध को केवल कूटनीतिक तरीके से ही निपटाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जयशंकर साहब जी ने ये सब यूक्रेन में ही नहीं किया बल्कि जयशंकर साहब जी जब पीएम मोदी जी के साथ रशिया दौरे पर गए थे तो उस समय जयशंकर साहब जी ने भी पुतिन के सामने इस बात को खुले मंच पर रख दिया था। क्योंकि रशिया और यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए इस बार भारत ने अपनी पूरी कूटनीतिक ताकत लगा दी है जिसमें भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब जी से लेकर एनएसए अजीत डोवाल और पीएम मोदी जी भी शामिल हैं। और ये तीनों ही पहले तो रशिया पहुंचे थे जहां पर भारत के इन तीनों ही नेताओं ने व्लादिमीर पुतिन के सामने भी ये साफ कर दिया था कि अब ये युद्ध का वक्त नहीं है क्योंकि यूक्रेन पर जो हमले शुरू किए थे वो रूस ने किए थे। ऐसे में अगर इस युद्ध को रोकना है तो सबसे पहले भारत को रशिया के एग्रेशन को रोकना पड़ेगा और व्लादिमीर पुतिन को समझाना पड़ेगा और यही सब तो रूस जाकर भारत ने किया था। पहले तो रशिया जाकर व्लादिमीर पुतिन को समझाया और अब अपनी पूरी टीम को लेकर यूक्रेन पहुंच गए। यहां पर भी भारत ने यूक्रेन के सामने ये बिल्कुल साफ कहा है कि भारत सिर्फ शांति चाहता है और अब दोनों ही देशों को जल्द ही बातचीत के मंच पे आना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि पीएम मोदी जी ने पहले तो रूस जाकर व्लादिमीर पुतिन को गले लगाकर पूरी दुनिया को अपनी दोस्ती का सबूत दिया। हालांकि उस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को काफी दिक्कतें हो रही थी कि आखिर मोदी जी क्यों एक वॉर क्रिमिनल को गले लगा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी जी ने यूक्रेन जाकर जेलेंस्की को अपनी गलतियों पर पछताने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि पीएम मोदी जी जैसे ही यूक्रेन पहुंचे और व्लादिमीर जेलेंस्की से मिलने के लिए उनके पास गए तो सबसे पहले हाथ मिलाकर उन्हें गले लगा लिया और जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रख के बिल्कुल साफ कर दिया कि आप लोग चिंता मत करिए अब ये युद्ध खत्म हो जाएगा। अब यही बात है जब भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी के सामने आई तो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने भारत के स्टांस को साफ कर दिया कि हम किसी भी प्रकार के युद्ध से परहेज करते हैं क्योंकि हम बुद्ध की धरती से आए हैं और शांति के सबसे बड़े प्रतीक महात्मा गांधी जैसे महापुरुष उस धरती पर जन्मे हैं, इसलिए भारत सिर्फ शांति को ही प्रेफर करता है। इसलिए जब जयशंकर साहब जी से ये सवाल पूछा गया कि आप लोग जब शांति को ही प्रेफर करते हो तो फिर पीएम मोदी जी ने रूस जाकर दुनिया के सबसे बड़े वॉर क्रिमिनल व्लादिमीर पुतिन को गले क्यों लगाया, इसका जवाब देते हुए भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब जी ने ये साफ कर दिया कि गले लगाना तो हमारी संस्कृति है और इसे हम कभी भी भूल नहीं सकते। हमारे लिए रशिया और यूक्रेन एक समान है, हम केवल युद्ध का विरोध करते हैं और शांति चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।